इस समय फिरोजाबाद में एक डेंगू नामक बीमारी ने पूरे फिरोजाबाद को अपने चपेट में ले लिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शैलेंद्र कुमार गुप्ता, व्यापारी नेता भाजपा से, सब लोगों से आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी सबसे पहला काम आप लोग ये करें, अपने घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा होने ना दें, कूलर की घास, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी जिससे कि मच्छर उत्पादित होते हैं उसको सफाई करवाएं। अगर आपके हाथ में नहीं है सफाई करना, कोई ज़्यादा बड़ा गंदगी का ढेर है, तो आप नगर निगम के अधिकारियों को सूचित करें और संबंधित जो भी अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं उनको सूचित करके आप वहाँ सफाई कराएं। सबसे पहले तो हमको आपको, सरकार जो पहल कर रही है अच्छी बात है, लेकिन हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने आसपास किसी गंदगी को इकट्ठा ना होने दें। और बच्चों को हल्दी वाला दूध और ये जो प्राकृतिक इलाज जो होते हैं जो कि कोई नुकसान नहीं करते हैं ह्यूमिडिटी बढ़ाने के, उनको अपने दें। और मैं आपको बता दूं, एक नंबर है, सभी लोग नंबर नोट कर लें, नगर आयुक्त जी का मैं दोबारा कह रहा हूँ, नगर आयुक्त नगर निगम का फिरोजाबाद का नंबर है, उसको आप नोट कर लें, 7088118001। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 7088118001। ये हमारे माननीय नगर आयुक्त जी जो हैं इस समय महोदया, उनका नंबर है, आप उनसे संपर्क करें और आपकी तत्कालीन व्यवस्था की जाएगी और उसको तुरंत साफ़ कराया जाएगा। दूसरी बात, मैं सबसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें अभी बच्चों को स्कूल ना भेजें, ये हमारे आपके बच्चों के सेहत के लिए और भविष्य के लिए सही नहीं है अभी स्कूल भेजना। अभी मैंने 5 दिन पहले भी कहा था कि स्कूल बंद कर दें, क्योंकि शासन से जो आदेश आया है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आया है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की स्थिति सबसे ज़्यादा अलग है, तो मैंने अपील की थी, लेकिन